गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम कश्मीर यात्रा में आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक पार्क। जी हाँ, बादाम वारी। इसका नाम बादाम वारी इसलिए पड़ा क्योंकि कई एकड़ में फैला हुआ बादाम और खुमानी का बगीचा है। अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए, मार्च स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ आए होते तो बहुत ही सुंदर सफ़ेद कलर के बादाम के फूल और खुमानी में पिंक कलर के फूल, पूरा बगीचा एकदम फूलों से लदा हुआ था। अब धीरे धीरे फूल कम हो गए हैं और छोटे छोटे फल आना शुरू हो गए हैं, तो बहुत ही सुंदर गार्डन है। सुबह हम लोग होटल से निकले थे और हमने सोचा आज सुबह हम मॉर्निंग वॉक बादाम वारी पार्क में करेंगे। ये बहुत ही सुहाना और मनमोहक यहाँ का दृश्य है। यहाँ हजारों की संख्या में बादाम और खुमानी के पेड़ लगे हुए हैं। हम लोगों ने क्या, बादाम तो बहुत खाया हुआ है लेकिन कभी बादाम का पेड़ नहीं देखा था, तो किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था कि आप श्रीनगर जाओगे तो बादाम वारी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। लेकिन हमने प्लानिंग की और सुबह मॉर्निंग ही हम यहाँ पे आए तो यहाँ भीड़ रस बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे हम अपने घर के पास पार्क में गार्डन में सुबह हम जाते हैं, उसी तरह हम यहाँ गार्डन में टहलने के लिए सुबह आए थे विद फैमिली। बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का, हजारों की संख्या में खुमानी और बादाम के पेड़। बादाम के फ्लावर अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उनमें फल आना शुरू हो गया है। बहुत ही सुंदर और अच्छा पार्क बनाया हुआ है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है पार्क है। कश्मीर वाकई जन्नत है क्योंकि यहाँ इतने अच्छे अच्छे और बहुत ही सुंदर पार्क हैं और बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। पार्क एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ लाखों की संख्या में भी अगर लोग आ जाएं तो यहाँ रस भीड़ नहीं होगी। एक तरफ साइड में डल लेक का व्यू है और उसी के बगल में बना हुआ ये बादाम वारी, बहुत ही सुंदर, दिल खुश कर देने वाला यहाँ का नज़ारा है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दिल्ली से बाहर हैं, हम किसी नई जगह में आए हैं। ऐसा लग रहा है एकदम निश्चिंत और शांत माहौल है, कोई डर का भय का कोई भी ऐसा वातावरण यहाँ नहीं है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जिनको जो चीज़ मिलती है उन्हें उनकी कदर नहीं होती। ये इतना सुंदर और बड़े एरिया में पार्क है, यहाँ बहुत ही कम, ना के बराबर लोग, दो चार लोग ही यहाँ टहलने के लिए आते हैं। यही अगर दिल्ली वगैरह में होता तो पता नहीं वहाँ कितनी भीड़ होती। तो जिन्हें जो चीज़ मिलती है उन्हें उनकी कदर नहीं होती। इतना सुंदर, ऐसे कई हैं, बीसों की संख्या में यहाँ श्रीनगर में पार्क हैं, इसमें 5-7 पार्क ज़्यादा फेमस हैं। हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, पूरा मज़ा आ रहा है। एक आध लोग हमें मिले भी, उन्होंने बताया कि आप डरना मत, नहीं यहाँ कोई मामला नहीं, डर किसी बात के नहीं है, बहुत ही आनंद आ रहा है। हम लोग घूम रहे हैं, पूरा पार्क हमने विजिट किया, बहुत ही सुंदर और ग्रीनरी हरा भरा पार्क था। खुमानी के पिंक कलर के फूल इतने सुंदर लगते हैं देखने में, पास से आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य होता है। फर्स्ट टाइम बादाम के पेड़ को देखना, खुमानी के पेड़ को देखना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। कश्मीर घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, जब भी आपको कभी समय मिले तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, यहाँ के पार्कों को ज़रूर विजिट कीजिएगा। बाकी स्थानों पर तो बहुत लोग जाते हैं, ऐसी जगह पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, या तो उन्हें अनुभव नहीं होता, पता नहीं होता। 2-3 वहाँ के लोकल हमें मिले, उन्होंने हमें गाइड किया, थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह की, बड़ा मज़ा आया। पार्क बहुत ही सुंदर है, शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता, बड़ा आनंद आया। श्रीनगर घूमने के लिए अगर हम पार्क वगैरह विजिट करना चाहें तो सुबह में बहुत अच्छा मौसम होता है, सुबह में पार्क विजिट के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो हम लोग सुबह होटल से सीधे बादाम वारी पार्क आ गए थे, इसके बाद यहाँ से हमको गुलमर्ग जाना था, तो बहुत आनंद आया, बच्चे बहुत खुश थे।
यहाँ का सुबह का माहौल ऐसा है, चिड़िया की चहचहाट और कई तरह के यहाँ पक्षी हैं जिनके कोलाहल से पार्क का वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ पार्क, ग्रीनरी और बहुत ही, मैं शब्दों में इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता कि इतना अच्छा है, क्योंकि अपनी आंखों से देखना और एक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के थ्रू देखना, क्योंकि उसमें कटिंग करके वीडियो बनाई जाती है, तो यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। किनारे किनारे डल लेक है, डल लेक बहुत, डल लेक एक तरह से श्रीनगर की लाइफ लाइन है, ज़्यादातर एरिया में यहाँ डल लेक ही है। बहुत ही सुंदर पानी, स्वच्छ पानी, और इसमें मछलियाँ वगैरह भी बहुत यहाँ पे हैं डल लेक में, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। दोस्तों, हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, तो वहाँ की वीडियोस वगैरह बनाते हैं और उसको यूट्यूब और फेसबुक वगैरह हम अपलोड करते हैं कि चलो जो लोग नहीं आ सकते वो लोग भी आएँ, देखें, समझें, जानें। तो अपना एक छोटा सा चैनल है रॉयल राजपूत VNV, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, जिससे हम लोग और भी नए नए वीडियोस आप लोग तक पहुंचाते रहें और आपका मनोरंजन करते रहें। हम लोग कोई प्रोफेशनल कोई ब्लॉगर नहीं है, तो अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। बच्चों के द्वारा एक छोटा सा प्रयास है, तो जहाँ भी हम लोग जाते हैं, हमने 5-7 वीडियो हमने यूट्यूब में अपलोड किए, तो आप हमारे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। Juba Air. Mama ila bode gulo tazi te padam. Badam 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 badam. Amaga te na ko gubu badam badam. Badam 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 badam. Amaga te na ko gubu badam badam. Badam 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 badam. Amaga te na ko gubu badam badam. Badam 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 badam. Amaga te na ko gubu. Ayatura hatra bala tage jodi. Come on.
वैष्णवी जो आपके हाथ में है ना, ये है काचा बादाम।